ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्रीगुरुदीनतारणे परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण एंड वेलकम एवरीवन। तो आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट। सेवेंथ चैप्टर कर रहे हैं भगवद गीता का, 23rd श्लोक तक हमने कवर किया था और उसको रिव्यू भी कर लिया हमने पिछले कुछ क्लासेस में। अब हम करेंगे 24th श्लोक आज, तो प्लीज रिपीट करिए मेरे पीछे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम व्यायम अनुत्तमम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्ण। हाँ आपको मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ आपकी आवाज ऑडिबल है, आप प्लीज पढ़िए ट्रांसलेशन रशिका। हाँ जी। अनइंटेलिजेंट मेन हु डू नॉट नो मी परफेक्टली थिंक दैट आई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा वाज इम्पर्सनल बिफोर एंड हैव नाउ अज्यूम दिस पर्सनालिटी ड्यू टू देयर स्मॉल नॉलेज दे डू नॉट नो माय हायर नेचर व्हिच इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आ रहा है, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप लोग सब बड़ी अटेंटिवली सुनना। और कोई आप में से ऐसे हैं जो इन्होंने अभी पुराने सेशंस हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं, पिछले कुछ सेशंस? कोई यहाँ पे नया तो नहीं है ना? ओके, तो आप लोग कुछ पिछले सेशंस आपने ज्वाइन किए हैं तो आपने पढ़ा होगा सेवेंथ चैप्टर के शुरू में कृष्णा ने क्या बोला अर्जुन को, कि अब मैं आपको ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो जानने के बाद कुछ जानने लायक नहीं रहेगा, बहुत सीक्रेट नॉलेज देने वाले हैं, ध्यान से सुनो, कृष्णा ने बोला अर्जुन। और अभी जो हम टॉपिक से डिस्कस करने वाले हैं ये साधारण लोगों को पता नहीं होते एक्चुअली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साधारण आम जो आप समाज में देखते हो कितनी सारी गलत धारणाएं लोग बना के बैठे हुए हैं, वो सब भगवत गीता को अच्छे से ना समझने के कारण है। और जो स्पिरिचुअल लाइफ भगवत गीता भागवतम इनको अच्छे से समझ लेते हैं और इनकी नॉलेज को यूज करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा, ये बहुत रेयर और सीक्रेट नॉलेज है, तो आप लोग ध्यान से अटेंटिवली सुनो क्या बोल रहे हो, कि वो लोग जिनकी बुद्धि जो है वो ठीक नहीं है, अनइंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है बहुत ज्यादा, उनको ये पता नहीं होता कि भगवान क्या है, दे डू नॉट नो मी परफेक्टली, तो वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या सोचते हैं? थिंक दैट आई द सुप्रीम, कि वो सोचते हैं ये जो कृष्णा है ये एक्चुअली एक शक्ति है जो पूरे संसार सृष्टि को चला रही है, और ये शक्ति अब ये रूप लेके आ गए हैं कृष्णा का। हैव नाउ अज्यूम्ड दिस पर्सनैलिटी, कई लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं। अगर आप जाओगे कुछ ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोगों के पास जो के हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन उनको कृष्णा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो वो लोग ये ऐसी बातें भी कर सकते हैं। वो कहेंगे कि कृष्णा तो एक फॉर्म है, जैसे अभी इससे पिछले वाले श्लोकों में कृष्णा ने बताया था कि कैसे देवी देवताओं के उपासक देवी देवताओं के लोक में जाते हैं और मेरे जो उपासक हैं वो मेरे धाम में आते हैं। कृष्णा ने बताया था कि कैसे जो कम बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा मटीरियल डिजायर्स में है,
उनको चल किसी ना किसी तरह अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ऐसे लोग जो हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तो एक निराकार शक्ति है और ये किसी भी रूप में आप इनको पूज सकते हो, चाहे कृष्णा हो गए, गणेश हो गए, शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, दुर्गा हो गई, ये सब अलग अलग क्या है, ये एक शक्ति जो भ्रमण है वो इन शक्तियों सॉरी वो इन रूपों में आते हैं, एक ही भगवान इन रूपों में आते हैं, एक ही शक्ति भ्रमण इन रूपों में आती है, ऐसे कई लोग बोलते हैं। लेकिन ये यहां पे क्लियरली बता रहे हैं कि ये गलत है। ड्यू टू देयर स्मॉल नॉलेज दे डू नॉट नो माई हायर नेचर विच इज इम्पेरिशेबल एंड सुप्रीम। वो समझ नहीं पाते कि कृष्णा जो है उनकी क्या पोजीशन है, उनका रूप क्या है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य शरीर जो उनका होता है वो मटीरियल नहीं है, इस चीज को वो समझ नहीं पाते लोग। तो कई लोग ये कहते हैं कि भ्रमण है और वो अलग अलग रूपों में आ रहे हैं और वो सब अवतार हो गए या सब देवी देवता हो गए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भ्रमण कभी भी नहीं आ सकते, कभी आते ही नहीं है, वो ऐसे सोचते हैं कि कभी नहीं आ सकते, और ये सब तो कोई महापुरुष है, कृष्णा कोई महापुरुष है, राम ये कोई महापुरुष है, ये सब तो लीलाएं तो बाद में लोगों ने अपने आप जोड़ दी। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कहते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम खराब है, एक तो ये हो गया कि भगवान जो भ्रमण है वो सारे रूप ले रहे हैं, और एक हो गया कि भ्रमण कभी भी कोई रूप लेते ही नहीं है या ले ही नहीं सकते, दोनों गलत है। समझ में आ रहा है सबको? कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जिसको समझ में आया? हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। आपका ये रूप लेने से मतलब जैसे आप फिर ये मतलब जैसे विष्णु भगवान राम का रूप लेके आते हैं तो वो नॉलेज रखना भी गलत है? हाँ वो भी गलत है, वो भी गलत है। अभी आप लोग सब कॉन्सेप्ट आज एक क्लियर कर देगा श्लोक, जो ये रूप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से अगर इसको समझोगे तो आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, रिफाइन हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। जो हम कहते हैं ना अलग अलग रूपों में आ रहे हैं भगवान, एक्चुअली फैक्ट क्या है कि भगवान के रूप जैसे कृष्णा राम नरसिंह नारायण वराह, ये सब भगवान के रूप जो हैं, ये भगवान आर्टिफिशियली नहीं लेते, ये भगवान के रूप इटर्नली हैं ऑलरेडी, और जो भगवान का बोर्ड है जो वैकुंठ प्लैनेट है जहां पे, वहां पे ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें अलग अलग रूप में भगवान ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और टाइम टू टाइम यहाँ पे आते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो भगवान के जो फॉर्म्स हैं वो इटर्नल हैं, वो मटेरियल नहीं है, वो भगवान की शक्तियों को लिमिट नहीं करते, भगवान फॉर्म में भी रहते हैं और अनलिमिटेड पावर भी है भगवान की हर जगह। भगवान जो है वो पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं है, भगवान साकार रूप है भगवान का, निराकार नहीं है, निराकार भगवान की शक्तियां हैं जो विद्यमान है हर जगह, और वो भी शक्ति भी भगवान की जो है वो भी पर्सोनिफाई होती है। तो भगवान दोनों है, निराकार भी है और साकार भी है, और जो साकार है भगवान साक्षात, उनका रूप जो है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, मतलब कि वो मटेरियल नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो लिमिट नहीं करता भगवान, जैसे हमारा जो फॉर्म है हमको लिमिट कर देता है, वो हम इधर ही खड़े रहते हैं बस, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी हूँ, इंडिया में भी हूँ, जापान में भी हूँ, हर जगह, नहीं, भगवान के लिए ऐसा नहीं, भगवान एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकलाइज भी होते हैं और साथ ही साथ अपनी पावर से हर जगह एक्सपैंडेड भी रहते हैं, तो ये भगवान की यूनिकनेस है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। और अब जो गलत कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोग कहते हैं जो निराकार है वो इटर्नल है, उस वो सब सही है, लेकिन टेम्परेरीली भगवान एक मटेरियल शरीर ले लेते हैं, जैसे कृष्णा का ले लिया या राम का ले लिया,
या दुर्गा का ले लिया, या शिव का ले लिया, या गणेश का ले लिया, ये सारे रूप जो है ये उसी भगवान के निराकार के हैं। जो भ्रमण वो निराकार जो है वो इटर्नल है, और ये सब रूप जो है ये माया के प्रभाव से हो रहे हैं। ये बात गलत है, ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रेवलेंट हो रही है। सही क्या है कॉन्सेप्ट कि भगवान के रूप जो है वो दिव्य है, स्पिरिचुअल है, इटर्नल है। भगवान का रूप कभी नष्ट नहीं होता, कोई उसको खराब नहीं कर सकता। और भगवान की जो बॉडी है वो दिव्य है, शरीर भगवान का। और भगवान जो है वो हमेशा इन रूपों में है, स्पिरिचुअल लोक में, वैकुंठा प्लैनेट्स में। और ब्रह्मन जो उनका निराकार एस्पेक्ट है उससे वो हर जगह विद्यमान है, वो भी, और अपने फॉर्म में भी है, वो भी, दोनों साइमल्टेनियसली है भगवान। समझ में आ रहा है? हाँ जी, यस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो इनकी बुद्धि तेज नहीं है, ठीक है ना, जो अनइंटेलिजेंट है, वो सोचते हैं कि कृष्णा तो निराकार थे और अब उन्होंने एक शरीर ले लिया है, लेकिन ये गलत है। भगवान हमेशा से दिव्य शरीर में होते हैं। शरीर मींस हमारा तो शरीर मटीरियल हो गया ना, भगवान का दिव्य है, उनकी बॉडी जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो एकदम किसी चीज से नष्ट नहीं हो सकती। मैटर लॉज ऑफ नेचर उनके ऊपर वर्क नहीं करते, ठीक है ना। तो भगवान जो है वो सुप्रीम है, इम्पेरिशेबल है, और ये भगवान के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम समझदार लोगों को नहीं होती। अब ये 24 और 25वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे पूरा परपट, काफी लंबा है, लेकिन इससे पहले हम 25वां को भी पढ़ेंगे यहां में। तो 25वां में भगवान क्या कह रहे हैं ट्रांसलेशन में, ना, मैं पहले संस्कृत पढ़ता हूं, ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ो याम ना भी जानाती लोको माम अजम अव्ययम। क्या कह रहे हैं भगवान कि आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू फूलिश एंड अनइंटेलिजेंट। ऐसे मूर्ख लोग जो भगवान की तरफ भक्ति भावना से नहीं बढ़ते और वो भगवान को मिनिमाइज करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो भगवान का जो शरीर है ये तो एकदम मटीरियल है, ये दिव्य नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नहीं है, ये तो किसी अलग अलग रूप है, ये सब एक ही भ्रमण के हैं, और ये रूप जो है ये दिव्य नहीं है। ऐसे जो लोग बातें करते हैं ऐसे लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं मिल सकता। भगवान ऐसे लोगों को कभी भी प्रदान नहीं करते क्योंकि इनके अंदर एनवियस फीलिंग होती है, ये भगवान के रूप को पसंद नहीं करते। लेकिन उनमें से कई लोग हैं जो पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो हैं इनको भगवान सही ज्ञान देते हैं। लेकिन जो भगवान से घृणा करते हैं भगवान के रूपों से, ऐसे लोगों को भगवान फोर्स नहीं करते। ऐसे लोगों को भगवान यहां कह रहे हैं कि मूढ़ो, मूढ़ो मतलब मूर्ख, फुलिश। ऐसे फुलिश लोग हैं जिनको, जो अनइंटेलिजेंट है, जिनकी बुद्धि नहीं है, उनको भगवान कवर कर देते हैं अपनी योग माया पोटेंसी से। योग माया समावृता, भगवान कह रहे हैं कि योग माया से मैं कवर कर देता हूं और वो कभी समझ नहीं पाते मेरे को। दे डू नॉट नो दैट आई एम अनबॉर्न एंड इनफेलिबल। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? यस प्रभु जी। तो हम इसका परपट पढ़ेंगे, परपट पढ़ने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। तो कौन पढ़ेगा परपट, पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा परपट का? कौन पढ़ेगा? कंटिन्यू। हाँ आप पढ़ो, कंटिन्यू। परपट, दोज हु आर वर्शिपर्स ऑफ एनी गॉड हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज लेस इंटेलिजेंट पर्संस एंड हियर द इंपर्सनलिस्ट आर सिमिलरली डिस्क्राइब्ड। Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna, and still due to the ignorance, impersonalists argue that Supreme Lord ultimately has no form. Okay, Yamuna Charya, stop karte hain ek minute.
तो क्या बताया पर्पट में, दोज हु आर वर्शिपर्स ऑफ द डेमिगॉड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज लेस इंटेलिजेंट पर्सन, ये पहले वाले श्लोक में बताया था, याद है कि कौन से श्लोक में बताया था ये? कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उपासना करते हैं उनको कम बुद्धि वाला क्यों बताया गया है? ये अब हम पिछले 3 क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ेगा इसका। मैं कहने लगा था वरना तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरे लिए कि मैं 3 क्लासेस से बता रहा हूँ और अभी कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी इसलिए क्योंकि जो सारे डेमी गॉड्स हैं वो भी कृष्णा की ही पूजा करते हैं, तो कृष्णा हमेशा बताते हैं कि इनडायरेक्ट वे जाने से पहले समझदारी इसमें है कि आपको कुछ भी मुझसे चाहिए कुछ भी, तो व्हाई डोंट यू कम टू मी, तो ये मेन पर्पस है कि इसलिए नहीं जाना चाहिए। एक तो ये बात हो गई, और किस लिए लेस इंटेलिजेंट बताया गया है? तो माता जी ने कम से कम कुछ तो बोला, मेरी लाज रख ली, अदरवाइज बड़ी शर्मिंदगी होती मुझे। कोई और है जो मुझे बचा सकता है? यहाँ पिछले 3 क्लासेस से हम सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्यों है लेस इंटेलिजेंट पर्सन क्यों कहा गया है यहाँ पे? कविता आप बताओगे? हरे कृष्णा, मेरा भी पॉइंट सेम ही है कि कहते हैं कि मेरे से ही मतलब इनडायरेक्टली आप मेरे पास ही आ रहे हो, तो व्हाई नॉट डायरेक्टली आप मेरे थ्रू आओ। ओके ऑलराइट वेरी नाइस, और कौन पॉइंट बताएगा? राशिका? मुझको भी यही पॉइंट बोलना था कि जब चाहे शिव जी हो या जो भी हो, सब निकले मतलब हमें बनाया तो कृष्णा नहीं है, तो फिर हम उनसे हम मटेरियल चीजों की प्रे करते हैं, और अगर हमें प्रॉपर जो चाहिए तो हम सीधा कृष्णा से प्रे करते हैं, जिससे हमें हर चीज की प्रॉपर नॉलेज और मतलब एक पाथ मिलेगी, हम जो ये जैसे लाइफ सर्कल जो होता है उससे हमें मतलब वो मिलेगी कृष्णा में। करेक्ट करेक्ट, तो आपने एक अच्छा पॉइंट और ऐड किया कि मटेरियल चीजों के लिए जो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये मटेरियल चीजों के जाना, जो मटेरियल चीजें हैं उनका क्या नेचर होता है मटेरियल चीजों का? प्रभु जी जो टेम्पररी होती हैं। एग्जैक्टली वेरी नाइस, किसने बताया? अलका माता जी। यस प्रभु जी। एक्सेलेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेस इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि वो टेम्पररी चीजों के लिए आ रहे हैं। मटेरियल चीजें तो टेम्पररी है, और टेम्पररी चीजों का क्या है? ठीक है, बच्चे को क्या है, उसको चाहिए बैलून, चाहिए मुझे बैलून चाहिए, बैलून मिला उसको फट 2 मिनट में खड़ा, तो जितनी उसको खुशी नहीं हुई थी बैलून मिलने की, उससे ज्यादा उसको दुख होता है, अरे यार मेरा बैलून रोएगा। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं भागते हैं भागते हैं, जैसे गधे के सामने कभी कभार आपने देखा है गाजर टांग देते हैं, वो गधा गधा सोचता है और 2 कदम बस दूर हूं मैं, इसके बाद गाजर ये मेरे मुंह में ही आने वाली है, वो करते करते कितने मील चल जाता है। उसी तरह से हमारे सामने भी एक मटेरियल चीजें जो है, ये कैरेट कैरेट डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ द डोंकी, तो हम गधे बन जाते हैं, हम सोचते हैं ये मटेरियल चीज मिल जाए वो मटेरियल चीज मिल जाए। कामेस्तेस्ते हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि काम ये जो डिजायर है मटेरियल डिजायर्स, इनकी इच्छा पूर्ति के लिए भागते रहते हैं हम, भागते रहते हैं डेमिगॉड के पास, लेकिन ये तो लेस इंटेलिजेंट है क्योंकि मटीरियल चीजें जो है वो बेनिफिट नहीं कर सकती। तो इसीलिए कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे लोग लेस इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर फिर भी उनको मटेरियल डिजायर चाहिए तो भी वो कृष्णा के पास अगर आएंगे तो कृष्णा के प्योर डिवोटी से मिलेंगे वहां पे, और वहां पे उनको प्योर डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बताया गया है कृष्णा घृणा नहीं कर रहे डेमिगॉड से, कृष्णा तो खुद बता रहे हैं कि वो फेथ स्ट्रॉन्ग करते हैं डेमिगॉड्स के प्रति। अगर आप प्रार्थना करते हो तो जय गणेश देवा, तो वो आपका फेथ कौन
कर रहा है स्ट्रॉन्ग, वो कृष्णा कर रहे हैं एक्चुअली. क्यों? क्योंकि डेमीगॉड भी तो कृष्णा के ही पार्ट एंड पार्सल है. लेकिन आप मटेरियल डिजायर्स पूरी करने के लिए डेमीगॉड्स के पास जाओगे, वो पूरा भी कर देंगे. फिर आपको क्या करना है, आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मुझे बताओ क्या सबसे अच्छी चीज क्या है मेरे लिए और वहां पर मुझे लेके जाओ. तो डेमीगॉड्स खुद ही आपको कृष्णा के पास ले आएंगे. ऐसे करना है, ये नहीं करना कि, और डेमीगॉड्स को रिस्पेक्ट करनी है बहुत ज्यादा. और जब रिस्पेक्ट करेंगे तो वो कृष्णा के वो तरफ हमें लेके जाएंगे. तो लेस इंटेलिजेंट इसमें बताएंगे. एंड हियर द इम्पर्सनलिस्ट आर सिमिलरली डिस्क्राइब. अब एक तो हो गए डेमीगॉड के वर्शिपर, दूसरे हो गए इम्पर्सनलिस्ट. ये इम्पर्सनलिस्ट क्या होते हैं कौन बताएगा? जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया ऐसा कोई व्यक्ति है जो बता सकता है इम्पर्सनलिस्ट क्या होते हैं? भव्य है राशिका आपके साथ? हरे कृष्णा, I think आज नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. उसके ठीक है. और कौन बताएगा ये इम्पर्सनलिस्ट क्या होते हैं? Can I try? हाँ बताइए, बात आप बताइए राशिका. जो डायरेक्ट जैसे अभी ये बात कर रही थी जो कृष्णा कह रहे, जो डायरेक्ट किसी फॉर्म से ना करके जो स्ट्रेट लाइन जैसे होता है ना, सीधा पाठ कृष्णा को ही फॉलो करते हैं और उनके ही प्रे करते हैं और उन्हीं के पास जाने का उनका अल्टीमेट वो होता है गोल. हाँ, तो इम्पर्सनलिस्ट एक्चुअली क्या है? इम्पर्सनलिस्ट वो लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान एक व्यक्ति नहीं है. पर्सन मीन्स व्यक्ति. वो ऐसे इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं भगवान का व्यक्तित्व नहीं है. भगवान जो है वो इमोशंस का एक्सचेंज नहीं कर सकते. भगवान जो है वो एक शक्ति है. भगवान के साथ आप भगवान को ऑफरिंग कर रहे हो, ये सब चीजें कुछ नहीं. भगवान को ऑफर करने की जरूरत नहीं होती, कुछ भोग चढ़ाने की जरूरत नहीं होती. ये इम्पर्सनलिस्ट जो है वो कहते हैं कि भगवान एक शक्ति है, भगवान का कोई रूप नहीं है. और अगर आप भोग लगा भी रहे हो तो ये भगवान एक एक माध्यम से आप उस निराकार की तरफ बढ़ रहे हो. तो ये चीज को कृष्णा ने यहां पे गलत बताया. उन्होंने कहा ये अनइंटेलिजेंट लोग है जो ऐसा सोचते. अनइंटेलिजेंट लोग भगवान के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते. वो सोचते हैं कि भगवान एक शक्ति है और उन्होंने ये रूप ले लिया अभी के लिए टेम्परेरिली, लेकिन ऐसा नहीं. तो पहले डेमीगॉड के वर्शिपर्स को भी उन्होंने बता दिया कृष्णा ने कि ये गलत है, और फिर यहाँ पे बता दिया इम्पर्सनलिस्ट को भी कि ये भी उचित नहीं है, ये भी मूर्ख है ये भी. फिर लॉर्ड कृष्णा इन हिज पर्सनल फॉर्म इज हियर स्पीकिंग बिफोर अर्जुन एंड स्टिल ड्यू टू इग्नोरेंस इम्पर्सनलिस्ट आर्ग्यू दैट सुप्रीम लॉर्ड अल्टीमेटली हैज नो फॉर्म. तो कई बार वो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का फॉर्म नहीं है. फिर आगे यहाँ पे यमुनाचार्य क्या बोल रहे हैं वो बताया गया. आप कंटिन्यू करोगे राशि? हाँ जी, हाँ पढ़िए. आई कैन सी द स्क्रीन, आपको थोड़ा नीचे करना होगा. ओ आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, सब बाकियों को दिख रही क्या? दिख रही है प्रभु जी. हाँ जी, यमुनाचार्य A great devotee of the Lord in the disciplic succession of Ramanujacharya has written a very appropriate verse in this connection. He says, "Okay, हम recite करते हैं. ये हम मैं यहाँ पे अनिशा recite करेगी. स्वाम शील रूप चरिते परमा प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात देव परमात विदामतैश्च नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोधुम्. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू. तो
यमुनाचार्य यहाँ पे जो बताया गया है, ये कौन है यमुनाचार्य? किसी को याद है? हमने डिस्कस किया था यमुनाचार्य के बारे में, किसी को याद है? यहाँ पे लिखे रहे रमणाचार्य ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हैज रिटन दिस। कोई बता सकता है? हाँ रक्षिता माता जी आप बताइए। प्रभु जी अपनी बताई थी स्टोरी यमुनाचार्य की जो कोलाहल से जिनका वो था, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत छोटी सी एज में उन्होंने कोलाहल को आज से हरा दिया। वेरी नाइस, थैंक यू। तो कौन है यमुनाचार्य और रामानुचार्य में क्या रिलेशनशिप है? किसी को याद है यमुनाचार्य और रामानुचार्य में क्या रिलेशनशिप? कोई बता सकते हैं? गुरु गुरु शिष्य का। हाँ कौन है गुरु और कौन है शिष्य? यमुनाचार्य शायद शिष्य है रामानुजाचार्य के। ओके, आप लोगों से कौन अग्री करते हैं कि यमुनाचार्य शिष्य हैं रामानुजाचार्य के? मुझे आई थिंक रामानुजाचार्य शिष्य हैं यमुनाचार्य के। ओके, आप लोगों में से कौन लोग कहते हैं कि रामानुजाचार्य शिष्य हैं यमुनाचार्य के? अच्छा, तो आप लोगों में से कौन है जो दोनों से अग्री नहीं करते हैं? कि यमुनाचार्य भी शिष्य नहीं है रामानुजाचार्य के, रामानुजाचार्य भी शिष्य नहीं है यमुनाचार्य के। और आप में से कौन कौन है जो श्योर नहीं है कि क्या है आंसर? तो शो मतलब आप लोग शोर हो? नहीं पता प्रभु जी आंसर। एक्चुअली यमुनाचार्य जो हैं उनके शिष्य के शिष्य हैं रामानुजाचार्य। यमुनाचार्य के एक शिष्य हैं और उनके शिष्य जो हैं वो रामानुजाचार्य हैं, मगर रामानुजाचार्य को भी कई बार यमुनाचार्य का फॉलोअर या शिष्य कहा जाता है, क्योंकि यमुनाचार्य जो हैं उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करा था रामानुजाचार्य ने। तो यमुनाचार्य जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने ये श्लोक कहा है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है अब हम वो पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? नेक्स्ट पैराग्राफ माय डियर लॉर्ड कौन पढ़ेगा? अच्छा और एक मिनट, रामानुजाचार्य जो है उन्होंने वो संस्थापक आचार्य हैं एक तरह से, आप समझ लो जो तिरुपति टेम्पल, श्रीरंगम टेम्पल, ये सब जो टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में बड़े बड़े टेम्पल, उन सब के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। तो बहुत फेमस है ये। हम जब छोटे थे स्कूल में हमारा एक चैप्टर भी था रामानुजाचार्य के ऊपर। तो रामानुजाचार्य जो है वो बहुत फेमस आचार्य है, ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं। हाँ कविता, कविता आप। I just want to say, should I read? हाँ पढ़ो पढ़ो। My dear Lord, devotees like Vyasadev and Naradan know you to be the personality of Godhead. By understanding different Vedic literatures, one can come to know your characteristics, your form, and your activities, and one can thus understand that you are the Supreme Personality of Godhead. But those who are in the modes of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. They are unable to understand you. However, experts such as non-devotees may be in discussing Vedanta and the Upanishads and other Vedic literatures, it is not possible for them to understand the personality of Godhead. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. तो यहाँ पे बताया गया है, ये कौन बोल रहे हैं? रामानुजाचार्य बोल रहे हैं। रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यासदेव और नारद मुनि हैं, ये बहुत महान भक्त हैं आपके, और इन लोगों को पता है कि आप जो हो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, मगर अगर कोई अपने आप सोचे कि मैं कुछ पढ़ के, वेद पढ़ के,
और इधर उधर से कुछ करके ये सब चीजों को समझ लूंगा आपके बारे में, योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर फॉर्म, योर एक्टिविटीज, इन सबको जान लूंगा और उससे आपको समझ पाऊंगा। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी कृपा हो, अदरवाइज कोई अगर रजोगुण और तमोगुण में है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, और वो अगर पढ़ेंगे भी वेदों को, उपनिषदों को और दूसरे शास्त्रों को, तो भी वो आपको जान नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, वो ज्ञान नहीं। इसलिए आप देखते हो कई बार ही कई लोग अलग अलग तरीके से वेदों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और अलग ही कोई कंक्लूजन पे आते हैं, उनको कृष्णा या भगवान का नाम भी नहीं लेते। इतनी कंफ्यूजन चल रही है समाज में, किसी से पूछो आप तो वो डरता है बोलने में कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी। क्यों? भगवद गीता में हर जगह बोला है कृष्णा ने, क्योंकि एक तो उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने अगर ज्ञान लिया भी है तो भी उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली है, और उस वजह से क्या होता है, वो सोचते हैं नहीं अब हम क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे तो कोई और दूसरा बोलेगा, ये बोलेगा। इसका मतलब है उनको खुद नहीं अच्छे से पता, कंफ्यूजन चल रहा है, वो कंफ्यूज है, रिलेशनशिप नहीं पता कि अलग अलग जो ये भगवान और उनके देवता है उनका क्या संबंध है, कैसे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सब चीजों में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। मगर जिनको अच्छे से ट्रेनिंग है वो क्लियरली बोल देते हैं, हाँ कृष्णा इज द सुप्रीम, कोई इसमें डाउट नहीं है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कल जैसे पूछ रहे थे कि राम जी अगर सुप्रीम है तो उन्होंने शिव जी की क्यों उपासना की। एक्चुअली राम जी जो है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि राम जी जो है वो भक्त वत्सल हैं, ठीक है ना, और शिव जी उनके भक्त हैं, और शिव जी खुद हनुमान जी के रूप में आए, और जो शिव जी की पोजीशन है वो बड़ी यूनिक है, क्योंकि शिव जी भगवान का अंश है जो मटेरियल वर्ल्ड के साथ संपर्क में आता है, और शास्त्रों में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु। तो शिव जी कोई बन नहीं सकता, बाकी सारी देवी देवता, इवन ब्रह्मा जी भी कोई ना कोई बन सकता है अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे वैदिक उसको रिकमेंडेशंस। लेकिन शिव जी जो है वो यूनिक पोजीशन है, जैसे कृष्णा नारायण, ये एक यूनिक पोजीशन है, कोई जीव नहीं बन सकता। जो क्वालिटीज होती हैं कृष्णा के पास वो 100% क्वालिटीज है, बाकी कृष्णा के जो अवतार हैं सारे, या नारायण या अलग अलग, उनमें 93% क्वालिटीज, और शिव जी में और कम है क्वालिटीज। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनमें 77% क्वालिटीज फुल हैं, और हम जीवों में 77% क्वालिटीज बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन में है। तो ये सारी जो दिव्य क्वालिटीज की बात हो रही है ये भगवान में पूर्ण रूप से। तो जब भगवान अपने, एक्चुअली भगवान शास्त्रों में कहते हैं मद भक्ता पूजा व्यधिका, मतलब कि मेरी जो पूजा करते हैं वो तो मेरे भक्त हैं, लेकिन मेरे भक्तों की जो पूजा करें वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। तो अगर कोई शिव जी को प्रणाम करता है, उनको पूजा करता है, ये सोच के कि ये शिव जी जो हैं ये भक्त हैं राम जी के या कृष्णा के, तो वो अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर आप अलग से अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए पूजा करते हो तो वो उचित नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अलग अलग वेदों को किस तरीके से समझना इम्पोर्टेंट है भगवान की कृपा लेके, ना कि उसको समझने के लिए हम अपना इंडिपेंडेंट रूट लें और अपने आप ही मैं संस्कृत याद करके समझ लूंगा, ऐसे समझ नहीं सकते आप, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये यहाँ पे यमुनाचार्य बता रहे। तो हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आई थिंक वी विल कंक्लूड। कौन पढ़ेगा ये वाला नेक्स्ट पैराग्राफ इन ब्रह्म संहिता? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए?
Yes, I can continue. I know, and the Mataji Apadi. Hare Krishna. In the Brahma Samhita, it is stated that the personality of Godhead cannot be understood simply by study of the Vedanta literature. Only by the mercy of Supreme Lord can the personality of the Supreme be known. Therefore, in this verse, it is clearly stated that not only are the worshippers of demigods less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on Vedic literature without any tint of true Krishna consciousness are also less intelligent. And for them, it is not possible to understand God's personal nature. Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as abhyudaha, which means those who do not know the ultimate feature of the absolute truth. The Srimad Bhagavatam, it is stated that supreme realization begins from the impersonal Brahman and then rise to the localized super soul. But the ultimate word in the absolute truth is the personality of Godhead. Modern impersonalists are still less intelligent, for they do not even follow their great predecessor Shankaracharya, who has specifically stated that Krishna is the supreme personality of Godhead. Impersonalists, therefore, not knowing the supreme truth, think Krishna to be the only son of Devaki and Vasudeva, or a prince, or a powerful living entity. This is also condemned in Bhagavad Gita. Only the fools regard me as an ordinary person. Thank you. हरे कृष्णा तो यहाँ ये डिस्कस करते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता बताया गया है। तो ब्रह्म संहिता कौन है? ब्रह्मा जी ने साक्षात खुद बोली है ये ब्रह्म संहिता। और उसके अंदर क्या बोला गया है कि भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो कृष्णा है, जो गोविंद है, आदि पुरुषम है, ठीक है, वो सिर्फ वेदों को पढ़ के नहीं समझे जा सकते। कि आप सोचो मैं घर ले आऊंगा, वेद खरीद के ले आओ भाई, और अब से मैं शुरू ले ली, चारों वेद ले आया हूं मैं, बैठ के पढ़ना शुरू। तो ऐसा नहीं कि आप शुरू करोगे, बाय द टाइम चौथी वेद खत्म हुई भगवान आपके सामने साक्षात दर्शन देने के लिए खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि आप पढ़ के भी, कई बार कई लोग हैं जो पढ़ के भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो भगवान ने दिया है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको भगवान मिलेंगे। जैसे छोटा सा लड़का था ध्रुव, उसने नारद मुनि की बात सुनी, जो उन्होंने प्रोसेस दिया वो फॉलो किया, विद इन अ फ्यू मंथ्स भगवान के दर्शन हुए साक्षात उसे। तो भगवान की कृपा और भगवान की भक्तों की कृपा होगी तभी हम समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हमें अपना प्रयास उस तरीके से करना है जैसे शास्त्रों में दिया गया है। तो शास्त्र को पढ़ के, उसको इम्प्लीमेंट करके, और ऐसे जैसे आप लोग सब ज्वाइन कर रहे हो, भक्ति योगा का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, भगवान को दिया ऑफरिंग कर रहे हो, तो ये सब चीजों से भगवान आपको गाइड करेंगे। और आप जितना ज्यादा सीरियस होगे, जितना ज्यादा प्रयास करोगे, आप देखोगे उतनी ज्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे पिछले कुछ सेक्शन में जो देवी देवता की उपासना कर रहे हैं उनको भी इंकरेज नहीं किया, डिस्करेज किया है, लेस इंटेलिजेंट बताया। और ऑल्सो उन लोगों को भी जो भगवान को भक्ति भावना से सेवा करने के मूड में नहीं बढ़ते, बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए या वेदों को पढ़ने के लिए या अलग अलग तरीके के फिलोसफीज को फॉलो करते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति की है। जैसे राक्षसों ने भी ऐसे वेद पढ़ के और अलग अलग पढ़ के शक्तियां कमाई थी, लेकिन उससे उनको भगवान के करीब नहीं जा पाए थे। तो ऐसे लोगों को भी इंकरेज नहीं किया गया।
और बताया गया है कि भगवान, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation of Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent and for them it is not possible to understand God's personal nature. भगवान की personal, जो एक भगवान के साथ हृदय का connection है हमारा, वो हमारा हो नहीं पाएगा जब हम भगवान को सोचेंगे ये निराकार है, ये person ही नहीं है, भगवान exist ही नहीं करते. Persons who are under the impression of absolute truth is impersonal are described as abhudhya, which means who do not know the ultimate feature of the absolute truth. ऐसे लोग जो भगवान को समझते नहीं कि उनकी personality है, उनकी वो impersonal सोचते हैं, ऐसे लोग कभी समझ नहीं सकते भगवान के फीचर को, अबुद्धया है. और भागवतम में लिखा हुआ है कि तीन तरह के रियलाइजेशन हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, भ्रमण, परमात्मा और भगवान. भ्रमण मतलब कि इम्पर्सनल फॉर्म है जो इम्पर्सनल विद्यमान है निराकार, और लोकलाइज्ड परमात्मा है सबके हृदय में और कण कण में भी है. और भगवान जो पर्सनल रिलेशनशिप अपने डिवोटीज के साथ एस्टेब्लिश करते हैं वो भगवान है, वो गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं और यूनिवर्स में यदा यदा ही धर्म से आते रहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है. तो ये सब पॉइंट्स है. फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि आजकल के युग में जो निराकारवादी हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो मायावादी हैं, वो तो और भी ज्यादा अज्ञानता में है, लेस इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो शंकराचार्य ने बोला, शंकराचार्य एक आचार्य हैं, एक्चुअली वो शिवजी का अवतार है और एक वो पर्पस के लिए आए थे और उन्होंने शुरुआत की ये इम्पर्सनल फिलोसफी को स्प्रेड करने की, ताकि वेदों के शरण में सब आए. उस वक्त क्या हो रहा था, बुद्धिज्म की वजह से सब वेदों को छोड़ के जा रहे थे, तो शंकराचार्य ने सबको वेदों कल्चर में लाने के लिए एक फिलॉसफी दी और उसकी इंटरप्रिटेशन आजकल इंपर्सनलिस्टिक तरीके से करते हैं और भगवान का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है ऐसे सब प्रोपोगेट करते हैं. लेकिन भगवान भगवद्गीता 9.11 में कह रहे हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, जो मूर्ख हैं ऐसे लोग वो ये सब करते हैं और वो दे रिगार्ड मी एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो मुझे ऑर्डिनरी पर्सन सोचते हैं भगवान कृष्ण को. जैसे कई बार मैंने बोला है ना, कई लोग कहते हैं अरे हाँ कृष्ण भी एक महापुरुष थे या महान थे, नहीं, कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और उनके साथ हमारा प्रेम का रिश्ता है और जितना हम इस चीज को समझेंगे उतना ही हम आनंद में होंगे. हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली आनंद मिलेगा, यही एक प्रोसेस है. अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें आनंद नहीं मिल पाएगा. तो अब हम एक वीडियो शेयर करते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक वीडियो शेयर करता हूं. वीडियो देखना चाहेगा कोई? And the new man. ईश्वर से बड़ा. Anybody wants to watch a video? तीन चार मिनट बस. Yes. Okay. तो स्टार्ट करते हैं फिर हम. मेरा क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं. ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी. क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवद गीता पढ़िए, श्रीमद भगवद गीता यथारूप, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिले. गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद. संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा. भगवद गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जानना जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ. तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं.
तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान सर्वप्रवर्तते। एक मिनट गुरुजी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। भगवान उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन, गुरुजी गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवद गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इमं विश्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया, और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़कर के गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान दिखा दीजिए पहले, क्या भगवान नहीं, भगवान राम मान नहीं थे, उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरुजी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता? उसी प्रकार से भग कल्याण अर्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई परिवार के लिए वो भगवान है, भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, दोनों के बहुत बड़े अंतर है, मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर है तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें, हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है, ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम तक्तेन बुंदिता, ईश्वर, और गीता खुद कहती है भीष्म पितामह ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो अचेत हो, एनिमेट हो इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं वो तो, और हमारे शास्त्रों में दर्शन का अर्थ ही क्या है? मायावादी भाष्य सुने होए सर्वनाश, मायावादी भाष्य है, दर्शन से दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था। तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की जगह, इसलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में वेदेश्वर सर्वैरहम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदवित एव चाहम, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूँ। ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी वो मरता है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान गीता के चौथे अध्याय में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, हो सकते महान पुरुष जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना, भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है, हैं? भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं, सूर्य अनादि काल से देखा है, सूर्य अनादि काल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादि काल से है।
मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। ऐसे संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो, बताइए मुझे। क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई, बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य, सूर्य जो है सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता है? अगर आप केन उपनिषद पढ़ेंगे, ये लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, एक मिनट, पहले लाइट आई है। हाँ, प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूलो अयम ना भी जानाति लोको आम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक लेता हूं मैं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने सामने देखा कि कैसे एक एग्जांपल था ये, कि कैसे ऐसे लोग जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, वो गलत तरीके से श्लोक कोट कर रहे हैं, उनका मतलब भी नहीं उनको पता। तो यहाँ पे एक ये डिवोटी है, बहुत सीनियर डिवोटी है, इन्होंने इजीली उनको सब लोगों सब क्वेश्चन का उनको आंसर दिया श्लोकों के माध्यम से। वो पूछते जा रहे थे क्वेश्चन और ये श्लोक कोट करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग जब होगी तो फिर समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे। जैसे ये ऑडियंस में कोई थे, वो बेचारे कोई कंफ्यूज्ड फिलॉसफी थी उनकी, तो वो अजीब तरीब तरह की फिलॉसफी बोल रहे थे। ऑल राइट, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कॉमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। क्वेश्चन में एक चीज बतानी थी, हमारे यहाँ IIM अहमदाबाद है जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें भगवत गीता को हम वो एज अ कोर्स डाल दिया उसमें। हाँ, एक्चुअली उसमें कोर्स है, और उसमें जो फैकल्टी है उनमें से एक हमारे हमारे इस्कॉन के डिवोटी भी, अमोग लीला प्रभु, आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, वो वहाँ पे फैकल्टी है, पढ़ाने के लिए उनको बुलाया जाता है। अच्छा, मैं ये नहीं पता था, बट ये न्यूज में आया, ये पढ़ा था मैंने कि आए में अहमदाबाद में भगवत गीता को वो करे, तो एवरीवन वाज लाइक कि ये बहुत जरूरी है कि स्कूल में भी, मतलब जैसे एक हाफ एन आवर का पीरियड इसके लिए डेली देना चाहिए। करेक्ट, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप देखो हर कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर आप देखो क्रिश्चियन स्कूल्स में सब में बाइबल पढ़ाई जाती है 1 घंटा। इवन जो हिंदूज भी हैं वो भी जब क्रिश्चियन स्कूल ज्वाइन करते हैं वहाँ बाइबल पढ़ते हैं वो, और फिर वो घर आते हैं और कहते हैं आइडल वर्शिप खराब है, नहीं करनी। एनीवेज, और मुस्लिम उसमें भी जो है वहाँ पे भी कुरान की टीचिंग होती है ना, गल्फ कंट्रीज में होती है। हाँ, गल्फ कंट्रीज में भी होती है कुरान की टीचिंग, अपने इंडिया की तो यहाँ पे भी होती है। हाँ, कुरान की वहां पे भी होती है, लेकिन भगवत गीता की नहीं करते। तो ये जो है ये फ्यूचर आप देख सकते हो कि कैसे एक्सटेंड हो रहा है। इसीलिए आज की जनरेशन को ये चीज बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान। अगर बाकी मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज में लगे रहेंगे, खाओ पियो ऐश करो में, तो फिर बहुत लेट हो जाएगी। खाना पीना ऐश करना चलेगा नहीं ज्यादा टाइम तक। अभी कोविड के केसेस देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है कल को क्या होना है। एक एक साथ देखिए, भगवत गीता का जिनको ज्ञान है वो खुश रहते हैं, उनको फिर हर टफ सिचुएशन को डील करना आता है। तो ऐसे हम लोगों को बनना है कि हमें भी टफ से टफ सिचुएशन को अच्छे से हम डील कर ले इजीली, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी, वो बेस्ट चीजें होंगी, बेस्ट इम्यूनिटी है फॉर एनीथिंग, मटीरियल और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। ओके, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके बाद 24th के बाद हम 25th करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, विल एंड हियर।
ग्यारह बारी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे फिर कंक्लूड करेंगे। भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।